हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग हो चुका है और देखिए आज फिर धोबी घाट मेरे यहाँ खुला था। ये देखिए मेरी बेटी गेट बंद कर रही है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। देखिए इतने सारे कपड़े धोए और वेलकम कर रही हूँ आपका। वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आर के, मैं आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज गए हैं और बाहर में धूप सेक रही हूँ ना, वहाँ के आज बहुत कपड़े धोए हैं। और रेसिपी भी सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया था और क्या बोलते हैं लंच में जो बनाया था स्पेशल, वो भी मैं दिखाऊंगी, इसमें ऐड करूंगी। मच्छी बनाई थी और ब्रेकफास्ट में मटर की, हमारे यहाँ घुगनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, वही वाली बनाई थी। तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी अभी, प्लीज़ देख लीजिएगा उसको भी और ब्लॉग में बने रहिएगा। इधर देखिए मैं कर रही है धूप में, हाय बोल दे, पढ़ाई कर रही है, सब नहा वहा कर। बहुत ठंड लग रही है गाइस, और ठंड के वजह से ना 10 बजे के इधर उठते ही मतलब काम करने का मन ही नहीं कर रहा, इसलिए लेट हो जा रहा है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मेरा रेसिपी और आगे जो होगा दिखाऊंगी, ठीक है, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मटर का सुबह ब्रेकफास्ट में मटर ज़्यादा रह गया था, तो मटर का मतलब घुगनी बनाने मतलब ऐसे भूज के, प्याज और मिर्चा से ज़्यादा कुछ नहीं डालते इसमें मसाला, इसमें हल्का मसाला ही पड़ता है। बस 2-3 मिर्च काटे थे और जीरा से छौंक डाल करके, और प्याज 3 काटे थे और उसको थोड़ा भुनी, थोड़ा सा भूनते हैं, पूरा नहीं भूनते हैं, थोड़ा क्रिस्पी रहता है तभी अच्छा लगता है। फिर मटर डाल दिया मैंने और उसके बाद से थोड़ा सा ढक के 5 मिनट चलाया, उसके बाद से फिर नमक हल्दी और थोड़ा सा मसाले, वही मीट चिकन जो होता है वो थोड़ा बहुत डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो उसको मैंने डाल करके और भुना अच्छा से, हल्का सा पानी भी डालती हूँ, पानी डाल करके उसको, और अच्छा लगता है वो मुरमुरे जो मुढ़ी कहते हैं कि नहीं, उसके साथ मिला के ना ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो वही सोची कि आज चलो उसी को बना लिया जाए, तो उसी को बनाई। तो यहाँ पर ही देखिए मेरा रेडी भी हो चुका है, मतलब हो ही आया है, देखिए कितना अच्छा दिखा, बहुत टेस्टी भी हुआ था। ऐसा बना के देखिएगा, ये देखिए मुरमुरे और ये इसको मिला के खाते हैं मतलब मिला के तो सभी खाते हैं, मैं दिखा रही हूँ, उसको पूरा मिला दिया जाता है गाइस, देखिए मैं खा रही हूँ तो बस देखिए। और एक डिश बनाई थी मैंने मछली का, उसको भी इसी में ऐड कर दिया मैंने। देखिए इसको क्या बोलते हैं, कोकिया मछली बोलते हैं शायद, मैं उतना कंफर्म नहीं, मुझे मछली उछली का नाम उतना पता नहीं रहता है, बस टेस्ट पता रहता है। उसको भी मैं तेल में भून लेती हूँ पहले, इसको बिना भुने भी बनाया जाता है और भून के भी बनाया जाता है, बहुत जल्दी भुना भी जाता है। और मेरे को ये ला मछली बहुत पसंद है, मतलब मछली बोलने से मुझे पसंद ही है, मछली मुझे अच्छा लगता है। तो सबको भून के निकाल ले रही हूँ और इसमें मसाले में मैं डालती हूँ जीरा, धनिया, लहसुन, गोलकी और सरसों और लाल मिर्च। लाल मिर्च मछली में डालने से ना अच्छा लगता है। और इधर देखिए मछली भून ली थी, उसके बाद से जे तेल डाल करके फिर सरसों का छौंक लगा के पहले टमाटर थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर जो जो मसाले दिखाए थे ना उसको भी भून लूँगी। अब मच्छी का मसाला तो मैं बार बार कहती हूँ कि ज़्यादा भुना नहीं जाता है, हल्का ही से, बस उसमें से तेल जो छोड़ने लगेगी ना तो बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनी, क्योंकि सरसों रहता है तो उसको ज़्यादा भूनने से पीता लगता है। और नमक हल्दी भी डाली थी मैं, तो देखिए भून ली मैं और इसमें ज़रा सा चीनी डाल दी, क्योंकि सरसों का भी क्या होता है ना पीता लगता है ना, तो उसके चीनी डाल देने से उसकी वजह से थोड़ा पीतापन कट जाता है उससे। तो देखिए मेरा तेल जब छोड़ने लगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी, पानी डाल के भी 5 मिनट वो जब उबाल आ जाएगा कि नहीं उसमें, तो उसके बाद से हम इसमें मछली को डालेंगे। अब मछली को डालेंगे, इसका ना थोड़ा रस थोड़ा मोटा ही रहता है, इसमें पतला रस नहीं किया जाता है, रस या झोल जो भी कहा जाए तो वही, तो उसको बस उबालेंगे धीमी आंच करके, थोड़ा उबालेंगे 5-10 मिनट। देखिए उबल गया था मेरा, थोड़ा रस मोटा मोटा हो गया था। तो और ये एक्चुअली ना चावल के साथ, चावल से ज़्यादा अच्छा ना रोटी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन मैं चावल बनाई थी। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फैन अभी बैठ के बात कर रही हूँ सो के नहीं, तो फैन अभी 7:30 हो रहे हैं और ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, अपने रेसिपी सब देखी। और इधर एक तो है पुड़िया बाज, गुटका बाज, गुटका बाज, गुटका खा के तो दांत दिखा दो। दांत से क्या मतलब है, ऐसे भी देखो सुंदर हो, तुम्हारा घर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। सुंदर थे तभी आए, नहीं तो कोई पूछता नहीं।
पहली फुर्सत में निकलो, टाटा बाय बाय। आज भी वो आदमी को औरत को खोज रहा हूँ, पता नहीं कब मिलेगी। ये कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे कामयाब हो पहले, हाँ नहीं कामयाब हो पहले, तो इसीलिए तो खोज रहा हूँ ना कौन है वो औरत जो उसको लाऊंगा तो कामयाब होऊंगा। 4 साल बाद खोजना बुढ़ा हो जाने के बाद कोई बुढ़ी को, कामयाब खुद हो नहीं, कामयाब औरत पीछे राज वाली को खोज रहे हो। 23 साल हुआ है जी मेरा। और मेरा उस दिन डॉक्टर के पास 34 साल लिखा दिए, जो कि मेरा 3 साल में बर्थडे हुआ था। उम्र भरा हार्ट अटैक ऐसे ही हो गया। तो गाइस ब्लॉग का एंड करती हूँ आज से। आज से ये इंसान को सब जगह से डिलीट करना है मुझे, ये इंसान को डिलीट करना है वो जल्दी पता नहीं। गाइस इन्हें छोड़ के मुझे सिर्फ देखिएगा। तो गाइस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ब्लॉग का एंड करती हूँ तो ओके बाय गुड नाइट। और कल तक हार्ट अटैक नहीं आए तो कल फिर ब्लॉग बनाऊंगी। ओके बाय।